प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास टेंथ से फर्स्ट टर्मिनल का एग्जाम यानी कि क्लास टेंथ से फर्स्ट टर्मिनल यानी कि प्रथम शाब्दिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूँ और आप लोगों को सब्जेक्टिव के साथ में ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताने वाला हूँ। तो देखिए प्यारे बच्चों, आप लोगों का जो है ना विषय कोड, यहाँ पर विषय कोड तो नहीं देगा, टाइम आपको 1 घंटा 30 मिनट का दिया जाएगा, 80 नंबर का टोटल एग्जाम होगा, ठीक है ना। तो यह बिल्कुल सेम टू सेम यही क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आएगा और यह जो एग्जाम है आप लोगों का 24 अगस्त के दिन होने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा, सबसे पहले जो आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है ना, ध्यानपूर्वक देखिएगा, खंड अ में जो बोला 1 से लेकर के 48 तक प्रश्न आपको 40 प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव में जवाब देना होगा। तो चलिए फटाफट से हम लोग सारे प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किसने किया था। तो पहला का राइट आंसर सी नोट कर लेना है, यह मेरजिनी हो जाएगा। दो नंबर क्वेश्चन है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो आप दो का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर जो है ना बिल्कुल यहाँ पर बी हो जाएगा, तो नोट कर लेना है, ये हो जाएगा यूनान। अगली क्वेश्चन आप लोग तीन नंबर को देखेंगे, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया। तो बिल्कुल नेपोलियन बोनापार्ट ने, ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना है। चार नंबर है, रक्त और रोह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो चार का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर ए हो जाएगा, नोट कर लेना है, बिस्मार्क ने किया था। क्वेश्चन नंबर पाँच है कि सन 1815 के वियना सम्मेलन की जना मेजबानी किस देश ने किया था। तो बिल्कुल पाँच का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने किया था। क्वेश्चन नंबर छः है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस देश के अंतर्गत आते हैं। तो आपको याद रखना है ये यूरोप के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर जो है ना राइट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगली क्वेश्चन सात नंबर है, लाल सेना का गठन किसने किया था। तो बिल्कुल सात नंबर का ऑप्शन बी नोट करना है, ट्रॉस्की ने किया था, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आठ है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो याद रखना है आठ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि फरवरी 1917 में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आप आठ नोट करेंगे ना, तो शायद नवंबर 1917 में होना चाहिए, सॉरी प्यारे बच्चों नवंबर 1917 में ही शायद होना चाहिए, मुझे प्रॉपर याद बटे ही होगा, ऑप्शन बी ही शायद होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसे आप कमेंट कर लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 19 बोला जा रहा है, 9 नंबर है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो याद रखना है रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। 10 नंबर है, नरोत्तम सियानू कहाँ के शासक थे। तो 10 का याद रखना है, ऑप्शन डी होगा, कंबोडिया के शासक थे। 11 नंबर है, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। तो 11 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी नोट कर लेना है, ये हो जाएगा क्रांतिकारी धार्मिक, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, ये बोला गया अंकुरवाद का मंदिर कहाँ स्थित है। तो बिल्कुल 12 का आप नोट करेंगे, ऑप्शन बी होगा कंबोडिया, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिएगा, कोसूट कहाँ का राष्ट्रवादी नेता थे। तो आप नोट करेंगे 13 का ऑप्शन ए होगा, हंगरी का, यानी ऑप्शन नंबर ये जो है बिल्कुल यहाँ पर जो है ना राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 14 नंबर है, सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या था। तो नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बिल्कुल 14 का जो है ना ऑप्शन बिल्कुल ए हो जाएगा, यानी कि जातिवाद, यानी कि जातिवाद होगा, ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। तो नोट करेंगे 15 का बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, सांप्रदायिकता, सांप्रदायिक डायरेक्ट होगा, सांप्रदायिक ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, बोला इनमें से कौन नस्लवाद के विरोध में थे। तो नोट करेंगे 16 का बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इनमें से सभी, ऑप्शन डी नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 17 बोला गया, महिलाओं को वोट देने का अधिकार सर्वप्रथम कहाँ मिला था। तो बिल्कुल नोट करेंगे 17 का, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, इंग्लैंड में, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन संघीय राज्य की विशेषता नहीं है। तो नोट करेंगे 18 का बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यानी कि इकलौती शासन व्यवस्था, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट होगा। तो ये प्यारे बच्चों हम आपको ऑब्जेक्टिव का प्रश्न बता रहे, सब्जेक्टिव का भी बताएंगे। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर लेना। और आप लोगों को बता दें, शाम में 6:30 बजे क्लास टेंथ यानी कि आप लोगों के लिए डेली क्लास लिया जाता है इसी चैनल पर लाइव। और 450 मार्क्स लाना चाहते हो,
बोर्ड एग्जाम 2025 में, तो आप हमारे नोट्स द्वारा जरूर पढ़ना। मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूँ 98355 16710 पर आपको अपना नेम जिलाकर नेम क्लास टेंट लिख के भेजना है, हम आपको ग्रुप में भी एड कर देंगे। और डेली क्लास करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किए तो। चलिए बढ़ते हैं आगे। 19 नंबर है, संघीय शासन व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई, तो आपको नोट करना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल जो है ना बी हो जाएगा, इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर जो ना 20 बोला, सत्ता में साझेदारी का सबसे जीवांत स्वरूप क्या है, तो 20 का ऑप्शन ए होगा, राजनीतिक दल। अगले क्वेश्चन आप देखेंगे 21 नंबर है, सामाजिक विभेद का एक अच्छा परिणाम क्या है, तो आप 21 का नोट करेंगे, ऑप्शन बी होगा, यानी कि एक लोकतंत्र को सशक्त बनाना, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 22 नंबर है, मैक्सिको के ओलंपिक समारोह में विरोध का रूप किस पर आधारित था, तो 22 का नोट करेंगे, ऑप्शन ए होगा नस्ल पर, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, 70 के दशक के पूर्व भारत की राजनीति में किस जाति का वर्चस्व रहा, तो नोट करेंगे, 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, सर्वण का, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन 24 नंबर है, भारतीय स्वतंत्रता के समय देशी रियासतों की मौजूद संख्या कितनी थी, तो 24 का ऑप्शन सी होगा, 1563 SV, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 25 है, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित हैं, तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन बिल्कुल जो है ना वी होगा, कृषि। आगे बढ़ते हैं 25 के बाद 26 की ओर, इनमें किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। 27 है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है, तो 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि कृषि। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, 15 मार्च 1950 SB, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर प्रश्न की ओर, ये आप लोगों से बोला, गरीबी का कुचक्र की अवधारणा को किसने बतलाया था, तो बिल्कुल नोट करेंगे, 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, एडम स्ट्रीम ने। अगली क्वेश्चन 30 है, राष्ट्रीय आय का सृजन होता है किसमें, तो आप नोट करेंगे, 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, डी होगा, उत्पादन क्रियाओं द्वारा। आगे बढ़ते हैं 31 की ओर, भारत में सबसे पहले सन 1868 में किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, तो नोट करेंगे, 31 का ऑप्शन ए होगा, दादा भाई नोरे जी, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 32 की ओर, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है, तो वह देश विकसित कहलाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए प्यारे बच्चों, पहले हम लोग PDF डाउनलोड करने के लिए सीख लेते हैं, फिर आपको कंटिन्यू सारे प्रश्नों का आंसर की बता देंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो सबसे पहले ना आप लोग अपने फ़ोन में गूगल को ओपन कर लीजिए, उसके पास सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी आप लोग जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर, तो आप लोग सर्च कर लीजिए, फिर ऊपर करिएगा, फर्स्ट में ही मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिल जाएगा, ये रहा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करोगे इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा, नीचे आइएगा तो क्लास टेंथ का सेशन आपको मिल जाएगा, तो ये रहा क्लास टेंथ का सेशन, बिहार बोर्ड क्लास टेंथ फर्स्ट में एग्जाम लिखा हुआ मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। और आते ही पेज को रिफ्रेश कर लेना है, पेज को नीचे से ऊपर की ओर खींच लेना है और फिर नीचे आना है। सबसे पहले आप डायरेक्ट चाहो तो डाउनलोड नाउ पे क्लिक करके पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। फिलहाल हम लोग नीचे आएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैं दे दिया हूँ, ज्वाइन पे क्लिक करके कर लेना, क्योंकि नंबर पे मैसेज करोगे तो अभी एग्जाम चला तो हो सकता है मैं लेट आपको रिप्लाई दूँ, तो आप पहले ग्रुप को ज्वाइन करना। इधर देखो पेपर ने मैं डाउनलोड लिंक है, हिंदी संस्कृत साइंस सोशल साइंस जो भी चाहिए ना, और मैथ इंग्लिश ही उर्दू आपको जो भी चाहिए नॉन हिंदी सारा मिल जाएगा। फिलहाल हम लोग करते हैं सोशल साइंस का सामने लिखा है डाउनलोड, इस पर क्लिक कर लेते हैं और पेज को यहाँ भी रिफ्रेश कर लेना। जब भी आगे तो पेज को रिफ्रेश करने से कुछ नया चीज डाला जाएगा तो वह आपको दिख जाएगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले आना है। नीचे आओगे तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्नों का आंसर की आपको देखने को मिल जाएगा, और नीचे आओगे तो सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की शॉर्ट में आप लोगों को यहाँ पर सारे प्रश्नों का आंसर की देखने को मिलेगा, और लॉन्ग क्वेश्चन में यहाँ पर देखने को मैं कुछ ही देर में डाल लूंगा, आप लोग जो है ना यहाँ पर आकर के चेकआउट करते रहना। तो चलिए प्यारे बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन तो हो चुका था, 33 नंबर की राष्ट्रीय
आय का गन्ना विधि क्या है, तो नोट करेंगे राइट आंसर 33 का बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है, तो 34 का ऑप्शन सी होगा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 35 है कि सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है, तो 35 का ऑप्शन ए होगा नवीकरणीय। क्वेश्चन नंबर 36 है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नोट करना है 5 जून। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर, काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त है, तो 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि कपास के लिए। चलिए आगे बढ़ते 38 की ओर, भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है, तो 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, ये होगा जलोद मिट्टी का। और 39 है, बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं, तो नीलागढ़ ऑप्शन सी बी नोट कर लेना है। 40 है कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो ये मध्य प्रदेश में होगा। और आगे देखिए आपको 40 प्रश्न बनाना है, तो 40 का मैंने उत्तर बता दिया, अब हम कुछ अब आपको सब्जेक्टिव का दिखाएंगे, बट देख लो। 41 है कि जो ना कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये सिक्किम में होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42 है, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है, तो ये बिहार में होगा, ऑप्शन बी नोट करना है। 43 है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है, तो ये लोहा को कहा जाता है, तो ऑप्शन सी होगा। 44 है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, तो बॉक्साइट का, तो ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेना है। 46 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो अधिक सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 47 है, नदियों में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या, तो बिल्कुल नोट कर लेना है, यह करेक्ट आंसर हो जाएगा, नदी में की तली में अवसाद का जमा होना। 38 है, सूखा किस प्रकार का आपदा है, तो नोट करेंगे प्राकृतिक आपदा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर, सब्जेक्ट प्रश्न देखिए, इतिहास में इसमें प्रश्न जो है 1 से 6 तक प्रश्न, आपको कहीं 3 प्रश्नों का जवाब देना है, ये टोटल 6 नंबर के लिए होगा। पहला है कि गिलिवार्दी पेशे से क्या थे, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति का क्या कारण था। तीसरा है रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों के लिखे, और क्वेश्चन है कि खूनी रविवार क्या है, होचिन मिन मार्ग क्या है, जनेवा समझौता जो ना कब और किनके बीच हुआ, और इटली के एकीकरण में मेरदिन और काबुर के योगदान लिखे, बोल्शेविक क्रांति का वर्णन करें। तो इस प्रकार से सारे प्रश्न और पूरे राजनीति शास्त्र में 1 से 9 से 12 तक प्रश्न, आपको 2 प्रश्नों का जवाब देना है। पहला है कि जाति एवं जो ना सांप्रदायिक विविधता लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है, धर्मनिरपेक्ष प्रशासन की अवधारणा क्या है, और है सत्ता में साझेदारी क्या है, और है कि भारत में संघीय प्रशासन व्यवस्था की क्या विशेषता है, और यहाँ पर है कि भारत की विधायकों में महिलाओं का जो है ना महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति स्पष्ट करें, और राजनीतिक दल किस तरह सत्ता में साझेदारी है। अब इकोनॉमिक्स में इसमें 15 से 18 तक प्रश्न, 2 प्रश्नों का जवाब देना है। पहला, समाजवादी अर्थव्यवस्था ऐसे क्या समझते हैं, आर्थिक नियोजन क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, सकल घरेलू उत्पाद क्या है। चलिए इसके आगे बढ़ेंगे तो और भी बहुत सारा प्रश्न है। यहाँ देखिए ज्योग्राफी में 21 से 26 तक प्रश्न है, आपको कहीं 3 प्रश्नों का जवाब देना है। खनिज क्या है, इसकी विशेषता क्या है, चिपको आंदोलन क्या है, बहुउद्देश्य परियोजना से आप क्या समझते हैं, पवन अपलोन बारिश क्षेत्र में कैसे है, संसाधन निर्माण के तकनीक की भूमिका क्या है, रेड डेटा बुक क्या है, अब बिल्कुल सारा प्रश्न, वैसे ही सारे प्रश्नों का जवाब देना है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं नेक्स्ट वीडियो में इन सभी प्रश्नों का जवाब आंसर भी लेकर के आऊँगा, और जहाँ से डाउनलोड करने के लिए बताऊँ वहाँ से डाउनलोड, और किस सब्जेक्ट का पेपर कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।